हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम लिखा है जो 2015 एंड 2017 में आई है। ये कोची रेजिड्यू थ्योरम फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कोची रेजिड्यू थ्योरम का पूरा प्रूफ कराया है। आप वहाँ मेरे बेल आइकन पर या मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। एवोल्यूट इंटीग्रेशन साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड माइनस के वन स्क्वायर और जेड माइनस के टू अलोंग द क्लोज कॉन्टूर सी, ठीक है, वेयर सी इज अ सर्कल ऑफ मोड जेड इज इक्वल टू थ्री। तो हमें इसको एवोल्यूट करना है जहाँ सी हमारे पास क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू थ्री। ठीक, एक सर्कल है जहाँ पर मोड जेड इज इक्वल टू थ्री है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा, जो हमारे पास ये फंक्शन दिया होता है हमको, हम उसे एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे। तो एफ जेड हमारे पास ये पूरा फंक्शन हो गया। उसके बाद हम इसका पोल फाइंड आउट करेंगे। पोल फाइंड आउट करने के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दी होती है उसको इक्वल रखेंगे ज़ीरो को। तो हमारे पास पोल्स आ गए, वन वन एंड टू। तो वन वन दो बार रिपीट हो रहा है, तो हमारे पास ये डबल पोल हो गया। डबल पोल एट जेड इज इक्वल टू वन, और टू सिंगल है, रिपीटेड नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास सिंपल पोल हो गया एट जेड इज इक्वल टू एन। हमें ना इसको सर्किल में डिफाइन करके दिखाया। देखिए, एक्स एक्सिस पर मैंने सर्किल बनाया ओरिजिन, और इसकी रेडियस यहाँ पर थ्री दी है। तो सर्किल की रेडियस थ्री में थ्री कोमा थ्री। अब हमें ये देखना है कि कौन सा पोल इसके अंदर लाई कर रहा है और कौन सा पोल इसके अंदर लाई नहीं कर रहा। तो जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब जेड इज इक्वल टू वन, अब हमारे पास पोल क्या है, वन एंड टू। तो वन कोमा ज़ीरो, अब वन कोमा ज़ीरो वो भी इसी में लाई कर रहा है। इसी तरह वन कोमा टू वो भी इस पूरे सर्कल के इनसाइड आ रहा है। तो हमने यहाँ पे रफली देख दिया कि हाँ, इसका मतलब ये दोनों जेड इज इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू टू लाई कर रहे हैं इस कंडीशन में मोड जेड इज इक्वल टू थ्री के लिए। तो अब हम इसमें रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और इसमें कोचीज रेजिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, फाइंड करेंगे हम रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये रेजिड्यू फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस के ए फंक्शन ऑफ जेड, ठीक है, जहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा, टू, क्योंकि हमारे पास ये सिंपल पोल है। इसी तरह से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वन। अब यहाँ देखिए, साइन फोर पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है और कोस फोर पाई की वैल्यू वन होती है। फंक्शन जेड हमारे पास ये था एफ जेड वाला, इसमें हमने फिर जेड इज इक्वल टू टू रख दिया, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास रेजिड्यू, फर्स्ट सिंपल रेजिड्यू की वैल्यू आ गई वन। अब हमें डबल पोल निकालना है, डबल पोल पर रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जेड इज इक्वल टू वन पर हमारे पास डबल पोल आ रहा था, तो रेजिड्यू ऑफ फंक्शन जेड इज इक्वल टू वन लिमिट जेड टेंस टू वन डी अपॉन डी जेड जेड माइनस के वन स्क्वायर डी जेड माइनस के वन स्क्वायर फंक्शन ऑफ एफ जेड, ठीक है। इसे समझने के पहले हमने ये फॉर्मूला मैंने एक साइड में लिखा रखा है। फॉर्मूला होता है इसमें कि रेजिड्यू फंक्शन जेड इज इक्वल टू ए फोर ऑर्डर एम। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में रेजिड्यूज़ के फॉर्मूला बताएं। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, टू। तो वन सिंपल एम की जगह क्या रखना है, टू। फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि लिमिट जेड टेंस टू ए वन अपॉन एम माइनस के वन फैक्टोरियल डी रेस टू द पावर एम माइनस के वन अपॉन डी जेड रेस टू द पावर एम माइनस के वन, ठीक है, ब्रैकेट जेड माइनस के ए फंक्शन ऑफ जेड। अब हमें m की जगह 2 रखना है क्योंकि हमारे फंक्शन रेजिड्यू का ऑर्डर कितना है, 2। सेम इसी तरह देखो, 1 अपॉन 2 माइनस 1 1 आएगा, तो 1 फैक्टोरियल ऐसी ये तो हम लिखेंगे नहीं। और d रेज टू द पावर m माइनस के 1 मीन्स 2 माइनस के 1 1 और z माइनस 2 माइनस के 1 1, ठीक है। तो ये तो हो गया d अपॉन dz। अब z माइनस के a m, ठीक है, और यहाँ पे m क्या होता है, 2, हमारे पास 2 है तो इसकी जगह 2 रख देंगे और फंक्शन ऑफ z ऐसे ही। अब देखिए, हमने लिमिट ऐसे ही लिखा, लिमिट जेड टेंस टू ए डी अपॉन डी जेड, और हमारे पास जेड माइनस वन स्क्वायर, इसको हमने सेम ऐसी, और फंक्शन हमारे पास जो था हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब वहाँ पर जेड माइनस के वन स्क्वायर से जेड माइनस वन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हमारे पास ये फंक्शन बचेगा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड। हमने डिफ्रेंशिएट करा, आई होप आपको डिफ्रेंशिएट सॉल्व करना आता होगा। देन यहाँ पर देखिए, अब उसके बाद हमने क्या करा है कि लिमिट जेड टेंस टू वन, अब जहाँ जेड है वहाँ हमें वन रखना है, ठीक है, जेड लिमिट जेड टेंस टू वन, क्योंकि जेड की तरफ हमारी लिमिट टेंस कर रही है वन की तरफ, तो हमें जेड की जगह वन रखा। और जब जेड की जगह वन रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सॉल्व करके। ये सॉल्व करने के बाद अब हमें यहाँ देखना है कि कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन, एंड साइन पाई की वैल्यू ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर देखो, ज़ीरो प्लस माइनस वन, तो ये माइनस माइनस वन। तो देखो, मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है माइनस वन, ठीक है, माइनस वन कैसा आएगा, क्योंकि वन माइनस टू
माइनस वन, और इस पूरे को सॉल्व करके ये आया और ये इसको सॉल्व करके ये, ठीक है। तो माइनस ब्रैकेट में माइनस के टू पाई माइनस के जीरो माइनस जीरो माइनस वन, तो हमें इसका आंसर सॉल्व करके आया है टू पाई प्लस वन। मीन्स रेजिड्यू एट डबल पोर पर हमारा आंसर आया है टू पाई प्लस वन। अब हम इस पर लगाएंगे कोचीज रेजिड्यू थ्योरम। कोचीज रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, देखो, बाई यूजिंग कोचीज रेजिड्यू थ्योरम वी हैव इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ जेड डी जेड फॉर क्लोज कंटूर सी इज इक्वल टू टू पाई आई समीशन आर। अब समीशन आर की जगह हमारे पास दो फंक्शन रेजिड्यू हमने फाइंड आउट करे हैं, एक तो रेजिड्यू ऑफ अ सिंपल पोल एंड सेकेंड रेजिड्यू एट अ डबल पोल। तो हमारे पास देखिए फंक्शन एफ जेड को मैंने ऐसे ही लिखा और इन द राइट हैंड साइड इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें हमारे पास देखो ये तो क्वेश्चन में जो था वही है। अब हम राइट हैंड को सॉल्व करेंगे तो हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू टू पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू वन एंड जेड इज इक्वल टू टू, जो हमने जेड इज इक्वल टू वन पर लिखा है वो उसका सम करना है, प्लस जेड इज इक्वल टू टू पर जो अभी हमने पहले अभी सॉल्व करा है इसका सम करना है, ठीक है। टू पाई आई, अब हमने ऐड करा है रेजिड्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू वन प्लस रेजिड्यू एट जेड इज इक्वल टू टू, जिस फर्स्ट सिंपल पोल एंड डबल पोल पर जो वैल्यू आई है हमने उसको यहाँ पर रखा और ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है फोर पाई आई और पाई प्लस वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।